नमस्कार इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। बीते दो दिन पहला शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसिएशन के चेयरमैन अमरिंदर सिंह के उपर अमृतसर की पुलिस वालों नजायज परचे किए गए सन, जिसके संबंध में अज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखा है। सुनो की कहना है उन्हों का, किस कारण उन्होंने उपर नजायज परचे किए गए सन। सर शहर वासियों को एक कुछ खबरी देनी चाहवागा कि अमृतसर पुलिस ने किसी भी जायदाद के उत्ते कब्जा करना हो किसी का कब्जा छुड़ाना हो जी सुविधा जी शुरू कर दी हुई है, जिदे संबंध के जो भी चाहो जो तुम किसी का कब्जा करना है या किसी का छुड़ाना है तो तुम पुलिस कमिश्नर अमृतसर न जो चाहो संपर्क कर सकते हो। जे तुम चाहते हो भी ये कार्रवाई बहुत तेजी न हो ACP प्रवेश चोपड़ा ने वो तुरंत मौके के उत्ते ही सारा कुछ फैसला आने की सपोर्ट करा देंगे ने, तो ये जी सुविधा है वो शुरू हो चुकी है। मामला ये कि कल शाम जदों की सारे अमृतसर शहर में पता है भी सिद्धू का राइट हैंड ठग सोनू प्लेयर जिहड़ा कि एक होटल मैं उहदे कोलों किराए ते लिया सी, मुड़ के अज तो 9 महीने बीतण ते भी उहने अज तक 12.5 लाख रुपए के करीब जो उहनूं असीं दित्ता सी उहने अज तक वापस नहीं किया। तो उहदे संबंध दे विच असीं जदों कल उहने सानूं आदमियां थ्रू सद्दिया भी तुसीं आ जाओ तो आपां हिसाब करके पैसे दिंदे आ, तो जदों असीं उत्थे पहुंचे असीं 4-5 लोग सां तो इन्हें सिद्धू साहब दे फोन करवा के तो उस वेले ही ये साडे ते परचा दर्ज करा दिता कि असीं उत्थे कब्जा करन आए हाँ। तो प्रवेश चोपड़ा जी ने मेरे को मौके के उत्ते कागजात मंगे भी तू किराएदार हाँ, तो मैं मौके के उत्ते अपने कागजात विखा, तो मैं उन्होंने कहा मैं समा दो कोई हर कोई अपने पेपर जोड़े आेब च नहीं पा के फिर हों। इस अलावा मेरे नाल उस प्रॉपर्टी के 33% के भाईवाल हरपिंदरपाल सिंह जी वह भी मौजूद सन, उन्होंने भी कहा भी तुम 33% के भाईवाल हो तो कागज विखाओ, तो कोई हर कोई बंदा रजिस्ट्रियां अपनी जेब च थोड़ी पा के फिरता है। तो मौके के उत्ते साडे ते परचा दर्ज कर दिता है। हुण असीं अज CP साहब नूं मंग कीती है कि जिहड़ा भी मामला है इहनूं तुरंत रद्द करके 3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि परचा 2 घंटे च कीता, जिन्नी तेजी नाल तुसीं परचा कीता है उन्नी तेजी नाल हुण इहदी जांच करके इहनूं रद्द कीता जावे, तो जिहड़ा प्रवेश चोपड़ा है उहदे उत्ते केस दर्ज कीता जावे ते उहनूं पहलों सस्पेंड कीता जावे। ये साडी मंग सी। तो एक गल जी मैं तुहानूं दसणी भुल गया भी आह जिहड़े कब्जियां दा काम वा अमृतसर पुलिस ने शुरू किया होया वा, ये जेकर तुहानूं डर लगता है ना भी असीं पुलिस नाल सीधी गल नहीं कर सकते तो तुसीं इत्थे विचोलिए हैगे ने मिठू मैदान ते एक सिद्धू साहब दा संदीप कुमार, सिद्धू साहब के दफ्तर च संपर्क कर लो, ये संदीप कुमार ते आ जिहड़ा मिठू मैदान है ये तुहानूं पुलिस दे नाल सैटिंग करवा के किसी का कब्जा छुड़ाना आए वह भी करा देंगे, जे किसी का कब्जा करना आए वह भी करा देंगे। हाँ जी 12 लाख रुपया मैं इन्हू दिता है, कुछ थोड़े बहुत ये देन वाले भी कट कटा के कोई 8-9 लाख रुपया होएगा भी जोड़ा साडा बचता है। मामला यह भी नहीं है, मामला तो यह भी है ना भी 33% का भाईवाल तुम वह परचा मालक प्रॉपर्टी के मालिक के उत्ते परचा दर्ज करता भी तू लेना आ। तो उस अलावा DSP प्रवेश चोपड़ा को रात की वीडियो पई है, वो वीडियो सानू दे देन जां उन्हूं सर्वजनिक कर देन। असीं उस वेले होटल च 4-5 बंदे हाँ खाली हत्थी हाँ, तो इन्हें 40-50 बंदियां उत्ते परचा दर्ज किया भी 40-50 बंदे सी उत्थे, तो उन्होंने साढ़े को जेकर मान लो असीं कब्जा करन गए तो कोई हथियार ना खड़िया किसी दे चपेड़ ना मारी कुछ नहीं, सब कागजां दे विच बस सिद्धू साहब का सीधा डायरैक्ट CP अमृतसर नूं फोन आया तो साढ़े ते परचे दर्ज किए गए ने। तो हुण राती भी 11 बजे तक अमृतसर के पत्रकार भाईचारे ने लाइव भी चलाया, थाने के बाहर धरना भी दिता, तो सारे ने अपने आप को गिरफ्तारी लिए पेश किया भी साड़ी भी गिरफ्तारी कर लो तो जां साडे चेयरमैन साहब नू बाहर कढ़ो, तो उन्हां दी मेहनत रंग लैके आई तो सानू मचलके दे उत्ते राती रिहा करना पिया पुलिस नू। तो हुण जेकर लोड़ पई तो ये बड़े वड्डे पद्धर का मामला होने वाला है, तो ये पूरे पंजाब के पत्रकार सानू फोन आ रहे भी वो सारे सहयोग करने तैयार ने। इस तो अलावा पोलीटिकल पार्टियां भी साढ़े ना सहयोग करनगियां, तो ये बड़ा भारी धरना जिहड़ा होटल DS के बाहर असी अनाउंस कर देंगे सोमवार को या मंगलवार को लगाया जा रहा, तो DS होटल के बाहर जितों की हरिमंदर साहब न सारी VIP लेन चलती है वो सारी VIP लेन जी असी ठप्प करांगे, तो ये मामले में पूरे नेशनल लेवल तक उठा के लैके जावांगे। मिठू मैदान कौन है जी? गल कर लईए प्रधान जी, जेकर पत्रकारी सेव नहीं हैगे तां फिर असीं अपना इंसाफ ही नहीं लै सकदे,
ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਚ ਪਰਚਾ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏਸੀਬੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਈਦੀ ਨਹੀਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਉਹਦੀ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿੱਠੂ ਮੈਦਾਨ ਕੋਣ ਹੈ ਮਿੱਠੂ ਮੈਦਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਤੇ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਕੌਂਸਲਰੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ।